दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, भोजपुरी के दो एक्टर और गायक के बीच की लड़ाई अब मर्दानगी दिखाने पर उतर आई है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी फिर से तेज होती जा रही है। इस जंग में खेसारी लाल यादव ने चुनौती दे दी है। दोस्तों खेसारी लाल यादव ने कहा, हम असली मर्द हैं, चाहे तो हर 9 महीने पर सोहर गवा सकते हैं, उनके अंदर दम है तो वो भी बजवा लें, उम्र बीत जाएगी लेकिन सोहर नहीं गवा सकते। दोस्तों हम आपको शुरू से ये मामला बताते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले खेसारी लाल यादव ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को अंकल कहकर संबोधित किया था। इसके बाद दूसरी ओर भी खलबली मची। पवन सिंह ने खेसारी के तंज का जवाब दिया। दोस्तों करीब एक सप्ताह पहले पवन सिंह का एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में पवन सिंह एक स्टेज शो करते दिख रहे हैं। उस दौरान उन्होंने खेसारी लाल यादव का नाम लिए बगैर उन्हें जवाब दिया। पवन सिंह ने भड़कते हुए कहा, हमारे इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे कलाकार हैं, क्या करें भाई, सुनता हूं तो हंसी आती है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मेरी उम्र हो गई है, और वो आज सौरी के घर में से निकले हैं। दोस्तों इसके बाद पवन सिंह अपनी टीम को सोहर बजाने को कहते हैं। पवन सिंह के निर्देश पर सोहर बजाया जाता है। भरे कार्यक्रम में पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव को जवाब दिया। इसके बाद खेसारी लाल यादव भी जवाब देने मैदान में उतरे। खेसारी लाल यादव बक्सर में अपने एक गीतकार के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे, वहीं बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। दोस्तों लोगों के बीच खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं असली मर्द हूं और चाहूं तो हर 9 महीने में सोहर गवा सकता हूं, उनमें दम है तो वो भी गवा लें, वे मर भी जाएंगे लेकिन सोहर नहीं गवा पाएंगे। दोस्तों आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि ये सोहर घर में बच्चे पैदा होने पर, बच्चों का जन्म होने पर गाया जाने वाला मंगल संगीत है। इसको संतान के जन्म और उससे संबंधित अवसरों पर गाया जाता है। बिहार समेत देश के कई राज्यों में बच्चों के जन्म पर सोहर गाने की परंपरा है। तो दोस्तों फिलहाल ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच की लड़ाई बढ़ती जा रही है। दोस्तों आगे की खबरों को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए।